अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान उर्फ सलमान खान। बॉलीवुड के फेमस एक्टर तो है ही, इसके साथ साथ वो प्रोड्यूसर, टेलीविजन पर्सनालिटी और सोशल वर्कर भी हैं। लोग उन्हें प्यार से सल्लू भाई, भाईजान नामों से पुकारते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनके फैंस की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। वो फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उनके फैन फॉलोइंग का आलम ये है कि उनके घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है। उनके फैंस की दीवानगी कुछ ऐसी है कि उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती है। इस टॉप स्टार सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उनके पिता का नाम सलीम खान है, जो कि मशहूर फिल्म लेखक रहे हैं। उनकी मां का नाम सुशीला चरक है, फिलहाल वो सलमा के नाम से जानी जाती हैं। उनके पिता जहां जम्मू कश्मीर से हैं, तो वहीं उनकी मां महाराष्ट्रियन है। उनके दो भाई अरबाज खान और सोहेल खान हैं, जबकि अलवीरा और अर्पिता उनकी बहनें हैं। सलमान खान की पढ़ाई सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित सेंट स्टैनिस्लॉस लॉस नाम के हाई स्कूल से की। सलमान खान ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1988 में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी। ईयर 1989 में मेन एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी, जो कि सुपरहिट रही। इसके बाद 2004 में आई उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन ने सबका दिल जीता। तो वही ईयर 2003 में फिल्म तेरे नाम में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई और अपने एक्टिंग से उन्होंने सबको भावुक कर दिया। इस फिल्म में सलमान खान को लेकर उनके फैंस की दीवानगी कुछ यूं थी कि उन्होंने सलमान की तरह ही अपने बालों की स्टाइल रख ली और वो हेयर स्टाइल तेरे नाम से मशहूर हो गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। फिल्म वांटेड के बाद से उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, किक, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। वहीं सूरज बरजातिया की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। फिल्म तेरे नाम उनके करियर की काफी अच्छी फिल्म रही। इस फिल्म को दर्शकों के साथ साथ आलोचकों ने भी हिट करार दिया और ये फिल्म सलमान के करियर की बेस्ट फिल्म मानी गई। लेकिन ये वो फिल्म थी जिसे सलमान की पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखा गया। प्यार के मामले में वो औरों की तरह ज्यादा सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन लड़कियों से उनके लिंकअप्स की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बनी रही। ऐश्वर्या राय से उनका अफेयर काफी दिनों तक चला, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सका। खबरें तो ऐसी आई कि सलमान ने ऐश्वर्या के साथ बदसलूकी की, जिस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ऐश्वर्या ने तो यहाँ तक कहा कि सलमान ने उन पर हाथ तक उठाया था। बताया जाता है कि ऐश से ब्रेकअप के बाद सलमान पूरी तरह से टूट गए और लंबे समय तक पर्दे से गायब रहे। इसके बाद फिल्म तेरे नाम से वापसी की। ऐश्वर्या से पहले सलमान का नाम संगीता बिजलानी, सोमी अली के साथ जुड़ा और ऐश से ब्रेकअप के बाद कटरीना ने एक्सेप्ट भी किया था कि वो सलमान के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है। लेकिन कटरीना की रणबीर कपूर से नजदीकियों ने सलमान से उन्हें अलग कर दिया। सलमान जितनी अपनी फिल्मों और अफेयर को लेकर चर्चा में रहते हैं, उतना ही वो अपने हेल्पिंग नेचर को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। वो चाहे इंडस्ट्री में पैर जमाने में मदद करना हो या फिर किसी को पैसों से, वो हमेशा सभी के सुख दुख में आगे आकर खड़े हुए हैं। कटरीना कैफ, हसन,
सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर, हिमेश रेशमिया ऐसे नाम हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सलमान ने काफी हेल्प की है। इसके अलावा उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शन है। जो भी पैसे इस प्रोडक्शन के जरिए आते हैं उन्हें बीइंग ह्यूमन में डोनेट कर दिया जाता है। बड़े पर्दे के अलावा टीवी की दुनिया में भी उन्होंने खूब नाम कमाया और फैंस ने उन्हें हाथों हाथ लिया है। 2008 में सोनी चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले शो 10 का दम को सलमान ने होस्ट किया जिसकी टीआरपी के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। सलमान खान ही वो एक्टर थे जिन्होंने बिग बॉस को होस्ट किया और जिसने भी टीआरपी के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े। इस रियलिटी शो में सलमान द्वारा की जाने वाली होस्टिंग को खूब पसंद किया गया। 2004 में यूएसए की पीपल मैगजीन ने सलमान को दुनिया का 7वां सबसे हैंडसम का स्थान दिया। 2008 में सलमान की वैक्स की मूर्ति को लंदन के मैडम टुसाद संग्रहालय में स्थापित किया गया और 2012 में एक बार फिर वैक्स की दूसरी मूर्ति को न्यूयॉर्क के मैडम टुसाद संग्रहालय में स्थापित किया गया। अगस्त 2013 में वो इंटरनेट पर इंडिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटी बने। पिछले कुछ समय से कमाई के मामले में वे दूसरे एक्टर्स के कंपैरिजन काफी आगे हो गए हैं। सलमान जितने बड़े स्टार रहे विवादों से भी उनका नाता काफी पुराना रहा है। हिट एंड रन केस के मामले में वे लंबे समय से आरोपी रहे। उन पर ये आरोप भी लगा कि शराब के नशे में सड़क किनारे सो रहे लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। हालांकि इस केस से वो अब बरी हो चुके हैं। वहीं काले हिरन के शिकार के मामले में भी वो आरोपी पाए गए। उन पर काले हिरन का शिकार करने का मामला दर्ज है। ये वाक्या उस समय का है जब वो जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। ऐश्वर्या राय से उनके अफेयर के दौरान हुए विवाद ने भी काफी बखेड़ा किया। कटरीना कैफ के जन्मदिन पर शाहरुख खान से हुआ उनका विवाद काफी गर्मा गया और वो मतभेद कुछ ऐसा हुआ जिसकी टीस आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है। कहते हैं जितना बड़ा नाम उतने ज्यादा विवाद। माना जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो करीबी हैं। ये तो तब देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पद पर नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे। 16वीं लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ मकर संक्रांति के दौरान उन्होंने पतंगबाजी की और जता दिया कि लोग भले उनके फैन हो लेकिन वो मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। सलमान हमेशा अपने हाथों में एक नीले रंग का ब्रेसलेट पहने रहते हैं और वो इसे अपने लिए लकी चार्म मानते हैं। इसमें दो राय नहीं कि सलमान बेहद लकी हैं। तभी तो उनके स्टारडम का आलम ये है कि बॉक्स ऑफिस पर उनके नाम से ही फिल्में चल जाती हैं। और उनके लिए लड़कियों के बीच दीवानगी का आलम तो ये है कि 50 बसंत पूरे करने के बाद भी लड़कियां उन पर मरती हैं।